नमस्कार, मैं हूं पिया। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। वेलकम टू आवर शो फिल्मी फंडा। विदेश में पासपोर्ट की चोरी के बाद दिव्यांका त्रिपाठी और उनके पति विवेक दहिया कर रहे हैं घर वापसी की तैयारी। चलिए जानते हैं क्या कुछ है इस खबर में। दिव्यांका त्रिपाठी कई सालों से छोटे पर्दे पर कर रही थी राज। हाल ही में टीवी की फेवरेट बहू के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसका शायद ही उन्हें भी अंदाजा नहीं था। दरअसल एक्ट्रेस अपने पति के साथ शादी की सालगिरह मनाने यूरोप गई थी। यहां पर एक होटल में उनका कीमती सामान और पैसा चोरी हो गया था। अब एक्ट्रेस वहीं फंस गई थी। दोनों वहां पर खूब एंजॉय कर रहे थे और साथ में कई शानदार तस्वीरें और वीडियो भी शेयर किए थे। हालांकि इस ट्रिप के दौरान उनके साथ एक ऐसी घटना हुई जिसके कारण पॉपुलर टेलीविजन अदाकारा दिव्यांका त्रिपाठी और उनके पति एक्टर विवेक दहिया वेकेशन के दौरान बड़ी परेशानी में फंस गए। कपल ने हाल ही में एक कठिन परिस्थिति का सामना किया जब फ्लोरेंस इटली में छुट्टी बिता रहे थे। दरअसल कपल 10 जुलाई को फ्लोरेंस पहुंचा था जहां इनके साथ चोरी की घटना हो गई। किसी ने फ्रांस से उनका पासपोर्ट और 10 लाख रुपए चोरी कर ली थी। कपल अपनी 8वीं सालगिरह मनाने के लिए यूरोप गए थे। हालांकि विवेक ने कहा, इस घटना को छोड़कर इस ट्रिप पर सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। हम कल फ्लोरेंस में थे यानी कि बुधवार, और यहां हमने एक दिन रुकने का फैसला किया। हमने एक प्रॉपर्टी को चेकआउट किया और फिर अपना सामान आधी गाड़ी में बाहर पार्क कर दी। हालांकि जब हम अपना सामान लेने बाहर गए तो हम शॉक रह गए। किसी ने गाड़ी का शीशा तोड़ हमारा पासपोर्ट, पैसे, शॉपिंग किया हुआ सामान और वॉलेट चोरी कर लिया था। उन लोगों ने बस कुछ पुराने कपड़े और खाने पीने की चीज़ें ही छोड़ी। विवेक और दिव्यांका, उन्होंने अस्थाई पासपोर्ट लेने की जुगाड़ करने की कोशिश की थी जो कि उन्हें एम्बेसी से ही मिल सकता था। विवेक ने कहा कि वह उनका कैश भी खत्म हो चुका था। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दोनों ने फैंस को इस घटना की जानकारी भी दी थी। आपको बता दें कि इस घटना के बाद इंडियन एम्बेसी यानी कि भारतीय दूतावास से मदद मिली। भारतीय दूतावास ने तत्परता से उनकी सहायता की और उन्हें आपातकालीन प्रमाण पत्र यानी कि इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी की जिससे वे अपने देश भारत वापस लौटे सके। दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया ने सोशल मीडिया पर इस घटना की जानकारी दी और इंडियन एम्बेसी का दिल से शुक्रिया अदा किया। रविवार रात को दोनों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडलर पर इटली में इंडियन एम्बेसी द्वारा जारी इमरजेंसी सर्टिफिकेट को हाथ में पकड़े हुए मुस्कुराते हुए एक फोटो शेयर की। हम आपको आपका अपार प्यार और समर्थ के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारी घर वापसी को संभव बनाने के लिए इंडियन एम्बेसी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि दोनों ही सुरक्षित घर वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद। इतना है इस खबर में। देखते रहे लाइव इंडिया हर पल।